What's up guys, welcome back to my channel. So, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है रेडी टू गो ब्रेकफास्ट। जैसे आप मेरे टी शर्ट पर देख रहे हो मजबूर हूँ, आप जैसे मजबूर होते हो और नेक्स्ट डे आपको सुबह जल्दी एक ऑफिस में जाना होता है या एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है या आपको फ्लाइट पर जाना है तो आपको एक क्विक और रेडी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है। सो गाइज ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें आपको मैं बताऊँगा क्विक ब्रेकफास्ट कैसे रेडी किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज हमारा पहला रेसिपी है ओवरनाइट ओट्स, 4 स्पून ऑफ ओट्स जैसे कि आप देख रहे हो। ये है वो सेकेंड, ये वो थर्ड और एक बड़ा सा चौकी हो गया 4 स्पून ओट्स। अब आते हैं ब्लूबेरीज पे। ब्लूबेरीज को आप स्लाइस करके भी डाल सकते हो और होल भी डाल सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि हम स्लाइस्ड ब्लूबेरीज डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्लाइस जो चंक्स होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं जब आपके खाने के टाइम पर खाते हो तो। सो हम थोड़े से जो ब्लूबेरीज है उसको स्लाइस करके हम इसमें डालेंगे। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं ब्लूबेरीज। अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं और दूसरे फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो डालेंगे वो है चिया सीड्स। गाइज ये ट्रू फार्म का ऑर्गेनिक चिया सीड्स है तो ये हम 1 स्पून डालेंगे। इसके बाद आते हैं हम आमंड्स और वॉलनट्स। ये ऑलरेडी क्रश किया गया है तो इसे हम थोड़ी क्वांटिटीज में डालेंगे। ओके अब हम डालेंगे 1 स्पून ग्रीक योगर्ट जो कि है अनफ्लेवर्ड। सो एक बड़ा सा जो है स्पून लेंगे। अगर आप चाहते हो तो एक और सा ले सकते हो। ओके इसके बाद हम स्वीटनेस के लिए, बिकॉज ये अनफ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट है तो इसीलिए हम स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है कि आपको हनी डालना है या नहीं। सर 1 स्पून हो गया हनी, ये ऑलरेडी इतना डिलीशियस लग रहा है। ओके अब ये आखिरी इंग्रेडिएंट जो है वो रहेगा मिल्क। आप अमूल का स्किम मिल्क है, आप आमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हो। ओके तो ऑलरेडी हमने भर दिया है, अब हम इसे स्टियर करेंगे, हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ओके ये ऑलरेडी इतना डिलीशियस दिख रहा है तो जब ये सुबह को हम देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। ओके इसे हमने ऑलरेडी मिक्स कर दिया है अब। ओके गाइस ये ऑलरेडी तैयार हो गया है। हम इसको गार्निश करने के लिए थोड़े से ब्लूबेरीज डाल सकते हैं, होल ब्लूबेरीज। हम 2 से 3 ब्लूबेरी होल डालेंगे, ठीक है, और थोड़े से नट्स डालेंगे। ओके जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अब हम इसे फॉइल पेपर में बंद करेंगे। और इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। सो ये आपका ओवरनाइट ओट्स ऑलरेडी तैयार है जो कि आप सुबह खाएंगे। सो ये ब्रेकफास्ट नंबर 1 हो गया। अब दूसरी रेसिपी जो है वो है आमंड्स जो हम ओवरनाइट सोक करेंगे। आमंड्स सो मैं 6 पीसेस लूंगा इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और एक्स्ट्रा डालूंगा 7 कर लूँगा। सो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट रेसिपी नंबर 2 जो कि हम आमंड सोक करेंगे। अब तीसरी चीज़ जो है वो मैंने कप में रखा है थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो मेरे फेवरेट है, डेट्स और अंजीर है जो कि बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। सो ये नंबर 3 रहेगा जो कि ऑलरेडी रेडी है। और नंबर 4 में मेरे फेवरेट फ्रूट्स है जो कि है बनाना और एप्पल जो कि ऑल ईयर अराउंड आपको मिलने वाले हैं
और बहुत ही हेल्दी है। सो ये जो ब्रेकफास्ट है, ओवरनाइट ओट्स, एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट्स और आमंड्स जो सोक किया गया है, ये ऑलरेडी आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। सुबह उठते ही जैसे आप उठोगे आपका ब्रेकफास्ट ऑलरेडी आपके पास रेडी होगा। सो गाइज, हम कल आपको बताएंगे कि ओवरनाइट ओट्स कैसे बने। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सो हु इज रेडी टू मेक ब्रेकफास्ट? वेल, सडनली नॉट मी, बिकॉज माई ब्रेकफास्ट इज ऑलरेडी रेडी। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी होगा। सो हम देखते हैं कि हमारे ओवरनाइट ओट्स कैसे बने। सो ये जो ओट्स है वो ऑलरेडी रेडी है, हमने इसे फ्रिज से निकाल दिया है। हमें इसे फॉइल को जो है रिमूव करना है और देखिए ये कितने सुंदर, हेल्दी, न्यूट्रिशियस लग रहे हैं। इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे। ये इतना डिलीशियस है, मुझे एक बाइट तो लेना ही पड़ेगा। बहुत ही यमी है। एप्पल, एप्पल कलर लेके हमें कट करना है। ये एप्पल कटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट गैजेट है, इससे आप पेयर, एप्पल और अदर फ्रूट भी काट सकते हो। जैसे कि आपने देखा सिर्फ 2 सेकंड में ही इसको हम कट कर सकते हैं। और एप्पल जो है, मेक श्योर करें कि अगर उसमें वैक्स है तो आप उनका एप्पल का जो स्किन होता है, यू कैन जस्ट पील इट ऑफ एंड देन यूज द एप्पल कटर, ठीक है। हमारे आमंड्स जो है ऑलरेडी सोक्ड हैं जैसे कि आप देख रहे हो, तो इसे हम अभी छीलेंगे। Okay. All right, we're almost done. You have 3 pieces. Okay, अब देख रहे हैं, almonds ready. थर्ड है रेसिपी जो है अंजीर और डेट्स, जो कि बहुत हेल्दी है। सो ये भी रेडी है। और आखिरी जो है, यू कैन हैव कोकोनट वाटर, ठीक है। अगर आपको जूस सुबह, डेफिनेटली आपको जूस पीना है, तो आप नेचुरल जूस बना के भी पी सकते हो अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपको क्विक चाहिए तो आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हो, विच इज़ वेरी हेल्दी। ओके, सो इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। और अब मेरा टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करने का, सो लेट्स डू इट महाराजा स्टाइल। ऑलराइट गाइज, सो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।